वैसे जा रही हो, आ जाओ बैठो, ड्रॉप कर दो। अरे 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 क्या हो गया, इतनी जिद नहीं अच्छी होती है, चाहने वालों को इस तरह सताया नहीं करते। देखो तमाशा मत बनाओ मेरा सबके सामने, तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरा रास्ता मत रोका करो। मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि हाँ कर दो, लेकिन तुम्हें ऐसा तमाशा करवा के बहुत मजा आता है ना। देखो अपनी हद में रहो, मैं बता रही हूँ वरना। वरना क्या, गले लगा लोगी? आ जाओ लगा लगा। मुंह संभाल के बात करो। अरे मुंह संभाला ही हुआ अभी तक, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी, छोड़ो, शोर मचा दूंगी, छोड़ो। छोड़ दिया लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, और तुम्हें भी वक्त मिल रहा है अपना फैसला बदलने का। समझती नहीं है बात को, बच्ची है ना, समझा दूंगा। अहमद वो हद से बढ़ता जा रहा है, ना लोग देखता है ना जगह देखता है, बस कहीं भी शुरू हो जाता है वो। कुछ पता है कहाँ रहता है, क्या करता है, कोई फोन नंबर उसका, कोई एड्रेस, कुछ भी? मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में। ठीक है, अब कल से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, और जहां मुझे वो नजर आ गया ना, बचेगा नहीं मुझसे। तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये इस मसले का हल नहीं है। तो और क्या चाहती हो तुम, मैं चुपचाप बैठकर तुम्हारे इंसल्ट होते दिखता रहूं? या तो जाके बिलाल भाई से बात करो, या फिर मुझे ही कुछ करने दो। कुछ करना चाहते हो? हाँ। तो एक काम करो। क्या? अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दो, मेरा रिश्ता लेने की। फारिया, अब तुम सीरियस हो? जाहिर सी बात है, एक साल हो चुका है सर, अब वक्त आ चुका है। ओके, और तुम परेशान मत हो, मैं घर जाके फौरन बात करता हूँ अपनी अम्मी से, और तुम्हारे घर भेजता हूँ उनको। तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? अलग ही फारी है। तरबियत दी थी मैंने तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें इतना पढ़ा लिखा रहा था ताकि तुम मेरी इज्जत का जनाजा निकालो। तुम्हें क्या लगा कि तुम बाहर जो कुछ मर्जी करोगी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अगर मेरी इज्जत खाक में मिलानी थी तो उससे पहले मुझे मार देती। नहीं, नहीं बिलाल भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अहमद बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं है। वो तो अपनी अम्मी को खुद हमारे घर रिश्ते के लिए लाने वाला था। मैं तो आपको खुद बताने। बकवास बंद करो, तुम्हारी शादी वहां पे होगी जहां पे मैं जाऊंगा, जहां पे मैं जाऊंगा। आप एक दफा सुन तो ले, वो कहना क्या? चुप रहो, चुप फाजला चुप। तुम्हें पता है कि जब मैं बात कर रहा होता तो बीच में मत बोला करो, और तुम भी कान खोल के सुनो, अगर आज के बाद तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, अगर अपने सर में खाक दिलवानी हो तो लड़कियों को पढ़ा लिखा लो, नजर रखना इस पे। और एक बात तुम दोनों कान खोल के सुनो, हाँ अगर गलती पे कोई गलती हुई तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा मैं। आज के बाद तुम्हारे हाथ में वो बाल लेना चाहिए।
नहीं फरिया किस हाल में होगी। क्या हो गया भाई, अभी तक सोई नहीं हो क्या? मेरी छोड़ो, तुम कहां से आ रहे हो इस वक्त? क्यों, कहीं आने जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? रात के 2 बजे घर आ रहे हो, पूछूंगा कहां से आ रहे हो। देखो भाई हो भाई रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। क्या हो गया तुम दोनों को, इतनी रात में तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? इससे पूछे जरा, जिसे आवारा गर्दी के अलावा और कोई काम नहीं है, ना घर की फिक्र ना है किसी जिम्मेदारी का एहसास, ये तो बस यहाँ सोने के लिए आता है। अरे तुमने कौन सा कारोबार लगा दिया मुझे जो मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया? आज दिन तक तुमने किया ही क्या जो इस तरह दिखा रहे हो मुझे? बस कर दो तुम दोनों, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो एक दूसरे से। आज दिन तक ना आपने सारा प्यार इस पे लुटाया, मुझे क्या मिला, ताने दुत्कार इस घर से। बस बात करते हैं, अम्मी जान क्या हो गया आपको, अपना दिल बुरा क्यों कर रही हैं आप? आप जानती हैं उसके मुंह में जो मर्जी है बोलता है वो। बेटा उसे लगता है जैसे मैंने उसे प्यार ही नहीं दिया। छोड़ दें उसे, बहुत रात हो गई है, जाके आराम करें आप। तुम? अरे तुम मुझे मिस कर रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं आके। सरप्राइज। बंद करो बकवास, जाओ यहां से निकलो। अरे रुको तो, कब से नहीं देखा तुमने, आ गया हूं तो दीदार तो कर लेना। कोई नहीं भाभी, ऐसे बच्चे आ रही हूँ। देखो तुम अभी और इस वक्त निकलो यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। चुप, तेरा घमंड किस चीज का है तुम्हें? हाँ नॉर्मल सी दिखती हो, बस दिल को अच्छी लग गई हो, वरना तुम जैसी होगा तो मैं क्या, मुझ जैसी लड़कियों को क्या? मान जाओ वरना उठा के ले जाऊंगा। अब जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगे तो ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। निकल जाओ यहां से, दबा जाओ। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, हाथ से तेरा बुरा वक्त। बिलाल भाई प्लीज। मैंने कहा ना जाओ यहां से, मैंने कुछ नहीं सुना। भाई जान आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ना ही मेरी नीयत खराब है और ना ही इरादा गलत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बस उसे प्यार करता हूँ। मैं उसकी शादी तय कर चुका हूँ, 2 दिन बाद उसका निकाह है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी उसकी मर्जी और खुशी के खिलाफ। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फारिया से दूरी रहो। देखिए बिलाल भाई, मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश, बस आप एक बार कम करे को ज्यादा समझो, ये ना कि मैं अपना खो बैठूं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे मैं और फारिया। अब अगर तेरे मेरी जान से एक भी लफ्ज निकलाना तो मार कर चेंग काट दूंगा। आखिरी मौका दे रहा हूं, आज के बाद अगर मेरी बहन का नाम तुम्हारी जबान पर गया ना तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जाओ यहां से।
बिलाल ने अपने एक दोस्त से रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा। जब आप लोगों ने सब कुछ तय ही कर लिया तो आप मुझे बताने की मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाभी अगर मारना ही था तो मेरा करना था भाभी मुझे मार देते, कम से कम मुझे तकलीफ तो कम होती। ऐसे रिश्तों के कफन में लपेट के तो ना मारे भाभी। बस करो मारे, हिम्मत करो, बस करो मेरी बच्ची, बस करो। हिम्मत करो, तुम भी हिम्मत नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? रेडी हो ना? देख गाड़ी बिल्कुल टाइम पे खड़ी करनी है, सही जगह पे आ। ओके। आ गई है। आज बताता हूँ तुझे कि तेरी औकात क्या है और मेरी औकात। रख रख साइड पे रख दे। हाँ हाँ, जान दे जान दे। खुपा जाके रोकना उसके। किसी ने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया? नहीं सर, वो उन्होंने नंबर प्लेट छुपाई हुई थी। आपकी वाइफ ने किसी को पहचाना हो या किसी की शक्ल देखी हो? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो किसी को पहचान नहीं सके। आपकी किसी जाती दुश्मनी है या किसी पर शक? शक नहीं है सर, यकीन है। ये सारा काम अहमद ने करवाया। वो मेरी बहन से शादी करना चाहता था, उसने मुझसे रिश्ता भी मांगा था। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरी बहन को अगवा कर लिया। ये अहमद कौन है और आप इसे कैसे जानते हैं और इसका घर कहाँ है? जी मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, ना ही मुझे उसके घर का पता है। उसका फोन नंबर है मेरे पास। ठीक है, आप नंबर अख्तर को लिखवाएं, एड्रेस हम खुद पता कर लेंगे। अख्तर का नंबर लिखो 0300। अगर आराम से मान जाती ना तो आज सब में ना बढ़ती। औकात की बात करती है, अब सबसे मुंह छुपाती। फिर ओए चुप करो, अम्मी की कॉल है। हाँ हेलो असगर, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन बंद आ रहा है, कब से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। अरे क्या हो गया अम्मी, रो क्यों रही हो आप? खैरियत तो है ना? असगर कुछ भी खैरियत नहीं है, तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है। आओ घर। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ घर में, बाय। जल्दी आओ। क्या हुआ? अबे कुछ नहीं यार, घर जाऊंगा तो पता चलेगा। अजर, अब इसका क्या करना है? अरे वही जो मतलब निकलने के बाद सब करते हैं, गंद को बाहर फेंक देते हैं। गाड़ी रोक। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, उम्मीद है जिंदगी भर याद रखोगे तुम। बाय बाय। मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा ही रहा था कि फारिया मुझे खून में लथपथ सड़क पर पड़ी हुई।
वो ठीक तो है ना? है भी और नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे सच बता, कोई खतरे की बात तो नहीं? बिलाल, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, तुम्हें वो बात बहुत हौसले और सब से सुनना होगी। और ठीक है ना? मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आर्या के साथ मुतअद्दद बार रेप हुआ है। उसके सर पर चोट आई है बिलाल, और उसकी आंखों की बिनाई भी जा चुकी है। अब शायद वो कभी देख ना सके। इस तरह के केसेस में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खुद को संभालो बिलाल, अभी तुम्हें अपनी बहन को भी संभालना है। मुझे माफ कर दो फारिया, माफ कर दो। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम्हारे सामने बैठ सकूं। डूब पड़ना चाहिए मुझे। आपकी कोई गलती नहीं है भाई, आपने तो वही किया ना जो आपको ठीक लगा। मेरी किस्मत खराब है। अच्छा हुआ जो मेरी आंखों की रोशनी चली गई, वरना मैं दुनिया को कैसे फेस करती। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। अब से खेलते जाए अहमद, मैंने तुम्हें परखने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। चाहो तो बदला ले लो, चाहो तो माफ कर दो। भाईजान, जो कुछ भी हुआ जाने में हुआ, आपने जानबूझ कर नहीं किया। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज हालात कुछ और होते। बिलाल भाई, अगर आपकी मर्जी शामिल हो तो मैं अब भी आपकी बहन से शादी करने को तैयार हूं। अहमद, क्या कह रहे हो तुम? होश के नाखून लो। जिस लड़की की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्लीज अमी जान, जो भी हो रहा है उसे होने दो। कैसे होने दूं? जानते हो ना, उस लड़की के साथ रेप हुआ है। और अब तो वो देख भी नहीं सकती। बिलाल भाई, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। अम्मी जान, जो भी है जैसा भी है मुझे कबूल है। लेकिन मुझे कबूल नहीं है, सुन लिया तुमने? अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मैं भी आपकी किस्म खाता हूं कि जिंदगी पर आपके चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखेंगी। आप जो कहेंगी वही करूंगा, लेकिन कभी खुश नहीं रहूंगा। अहमद, मैं चाहकर भी तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मैंने तो बदनामी से बचने के लिए वो घर भी छोड़ दिया, इलाका तक छोड़ दिया,
जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। अब हम सबको मिलकर एक नई शुरुआत करनी होगी। ठीक कहते थे तुमसे बढ़ के फारिया को ना कोई चाह सकता है ना खुशी दे सकता है। से फोन कर रहा हूं मैं, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? पैकिंग कर रहा था यार, वो 2 घंटे बाद दुबई की फ्लाइट है मेरी। यार तुम ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़ के जा सकते हो? पहले वो अदील गायब हुआ, अब तुम जा रहे हो। भाई देख, जो भी करना है ना तुझे अकेले को करना है। मैं तो कहता हूँ कि कहानी दी एंड कर दे। कहानी दी एंड मतलब? तेरा कहने का मतलब यह है कि मैं उसे जान से मार दूं? देख, अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो उसे मारना ही होगा, वरना एक ना एक दिन ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म होगा और सूली पर तू लटका होगा। देख तू कुछ दिन रुक जा, हम फिर मिलके कुछ। यार मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, आगे तू जाने और तेरा काम। खुदा हाफिज। मेरी बात सुन। मेरी बात। हेलो 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 यार, क्या करूं मैं इसका? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों? कौन दोनों? अम्मी तुम और असगर, और कौन? वो मैं भाभी से पूछ रहा था कि वो नीचे तो नहीं जाना, मैं ले जाऊँ उनको नीचे। अहमद, क्या असगर शुरू से ऐसा है? कुछ कुछ तो था, लेकिन पता नहीं उसे हो के क्या है। आप मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। कैसा अजीब सा? यही कि ना मुझसे वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है,
ना ही पैसे मांग रहा है, ना ही किसी चीज की डिमांड कर रहा है। तो कितने अरसे से वो आपको ऐसा अलग अलग सा लग रहा है? मेरा मतलब है कि आपने कहा ना कि वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो हमारी शादी से पहले भी ऐसे ही था या शादी के बाद ऐसा हुआ है? तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में इतना? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। काफी रात हो गई है, सो जा। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, कभी नहीं। आज तो तुम बच गई, लेकिन कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। की आवाज है अहमद। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? अहमद मैं सीढ़ियों से गिर गई। कैसे? पैर से लिप गया मेरा। चलिए उठे, डॉक्टर के पास चलते हैं। आराम से आराम से आराम से, चलिए। वो गाड़ी की चाबी आप अंदर बैठी, मैं लेके आता हूँ। आ जाए, आराम से आराम से आराम से। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, बस बैठे, यहाँ बैठे, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आना। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आगे फारिया, फारिया वो गाड़ी की चाबी कहाँ है? अहमद मुझे क्या पता। अब मेरे लिए सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें नजर नहीं आता, इतना बेवकूफ हूँ मैं अभी। खड़ी चाबियां फारिया, ये लॉकर तुम्हारे पास कहां से आया? छोड़े, बहुत सी तलख यादें वापस था इससे। असगर भी ऐसे लॉकेट पहनता है। क्या असगर पहनता है? मिल गई चाबियां। खैर मैं जा रहा हूं अम्मी के पास, वो मेरा वेट कर रही हैं, मिलता हूं फिर आकर। अहमद, अहमद मेरी बात सुने। अहमद अगर, अहमद अगर, अहमद सुन रहे हैं ना? अहमद अगर, अगर ये लॉकेट असगर का है ना, तो उसका मतलब कि वो जानवर भी असगर ही है। हाँ, सही पहचाना तुमने। तो? और ये मेरा ही लॉकेट है। अहमद को बताने लगी थी मेरे बारे में? मेरे पास नहीं आना, मैं शोर मचा दूंगी। अम्मी, अहमद कोई है, मुझे बचाओ इस जानवर से। कोई नहीं है, ना अहमद ना अम्मी, इस वक्त सिर्फ मैं हूँ और तुम। देखो मेरे पास नहीं आना, मैं अहमद को बता दूंगी, मैं उसको फोन करके बता दूंगी, मैं पुलिस को बुला लूंगी। अहमद! अरे बताओगी तो तुम तब ना, जब तुम जिंदा बचोगी। कि तुम्हें जिंदा छोड़ूं, लेकिन आज मैं वो गलती नहीं करूंगा।
असगर! अहमद! अहमद बचाओ! अहमद बचाओ! असगर! असगर! अरे अहमद क्या हो गया? अहमद! अहमद! असगर ने जो गलती की उसकी सजा उसको मिल चुकी। हो सकता है अब वो सारी जिंदगी इसी हालत में रहे। हो सके तो उस राज को राज ही रहने देना बेटा। अहमद, अहमद, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसको समझाओ ना। क्या कहूं? फारिया से ही पूछ लीजिए, जो इसकी मर्जी। बेटा बताओ क्या मर्जी है तुम्हारी? तुमने असर को माफ कर दिया ना? और ये राज तुम अपने घर वालों को भी नहीं बताओगी? बेटा, एक माँ की तुमसे इल्तिजा है, मेरे बेटे की माँ भी मेरी झोली में डाल दो बेटा।